मिनिस्ट्री ऑफ जीसस 1983 में स्थापित किया गया, जो तिरुचि तमिलनाडु दक्षिण भारत पर आधारित है। डॉक्टर आनंद सिरा एक अनाथ के रूप में पैदा हुए और अपने जीवन में उन्होंने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मसीहा के अनुग्रह और डॉक्टर आनंद सिरा के कड़ी मेहनत के द्वारा वे रोग अनुसंधान विद्वान के स्थान तक बढ़े। 32 साल की उम्र में प्रभु ने उन्हें मौत के बिस्तर पर से स्वर्ग ले गए। प्रभु के इस दिव्य बुलावे को पालन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जीसस को स्थापित किया गया और अब कई संभव पहलुओं के माध्यम के द्वारा दूर और कई विस्तृत प्रांतों में सुसमाचार दिया जा रहा है, जैसे कि परिवार आशीर्वाद बैठकों, सार्वजनिक भलाई की बैठक, व्यक्तिगत प्रार्थना के और परिश्रम सेवा, टेलीविजन मंत्रालय, पत्र मंत्रालय, पत्रिका मंत्रालय, पुस्तक सीडी डीवीडी द्वारा, सामाजिक मीडिया के द्वारा, वेबसाइट मंत्रालय, टेलीफोन मंत्रालय, एसजेसेव ट्रस्ट द्वारा, अपोस्तल और भविष्यवादी परिषद सम्मेलन के द्वारा। अक्टूबर 2015 से लेके फरवरी 2016 तक हमने कई स्थानों में बैठकों का आयोजन किया, जैसे कि तिरुनलवेली, नागरकोली, तिरुची, तांजोर, तूतुकुड़ी, पालयंकोटई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, पनकुड़ी, ईरोड, कोयंबटूर, वरंगल और जनगम। एक कैंसर का ट्यूमर मेरे दाहिने हाथ में हुआ और डॉक्टर ने सलाह दी मुझे कि दाहिना हाथ पूरी तरह से काटना होगा। तभी मैं सिकंदराबाद में डॉक्टर आनंद सिरा जी के मीटिंग में अधिक पीड़ा के साथ पहुंची और डॉक्टर आनंद सिरा जी ने परिशुद्धात्मा से भरकर मेरा नाम पुकारा और प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद तुरंत बिना सर्जरी के मुझे पूरी तरह से चंगाई मिली। ट्यूमर मेरे दाहिने हाथ से पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर भी अचंभित हो गए कि कैंसर का ट्यूमर बिना सर्जरी के निकला कैसे। प्रभु की महिमा हो। सितंबर 2014 से छाती के कैंसर से पीड़ित हो रही थी और जब मैं कीमोथेरेपी की चिकित्सा ले रही थी, उस दौरान मेरे कोख में दूसरा बच्चा पल रहा था। डॉक्टरों ने सलाह दी बच्चा गिराना होगा और आशंका जताया कि बच्चा मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हो सकता है। परंतु 2015 में विजयवाड़ा में डॉक्टर आनंद सिरा जी के द्वारा आयोजित किए गए बैठक के लिए पहुंची। डॉक्टर आनंद सिरा जी ने परिशुद्धात्मा से भरके प्रार्थना करके भविष्यवाणी की, यीशु ने तुम्हें छूकर चंगाई दे दी है और कहा तुम एक बच्ची को जन्म दोगे। प्रभु के कही गई बात सच हो गई और मैंने अद्भुत रीति से 6 जनवरी 2016 के चलते एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अब मुझ में कोई कैंसर का चिन्ह नहीं है। यही नहीं, अब तक मैं और मेरी बेटी दोनों स्वस्थ है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे पिताजी का 2013 में निधन हो गया। उस दौरान अदालत में मुकदमा चल रहा था। इस वजह से हमें आर्थिक रूप से बहुत कुछ सामना करना पड़ा। जीवन बिताने के लिए हमारा परिवार पूरी तरह से इस अदालत के मुकदमे पर निर्भर था। इसी चलते 2015 में डॉक्टर आनंद सिरा जी के द्वारा आयोजित किए गए सहयोगियों के मिलन में गए और डॉक्टर आनंद सिरा जी ने हमारे लिए प्रार्थना की। चमत्कारी रूप से 5 साल का लंबित अदालत का मुकदमा हल हो गया और हम मुकदमे में विजयशील रहे। यीशु की स्तुति हो। मैं गंभीर स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो रही थी। उस दौरान 2013 में मैंने डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में भाग लिया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे उसी पल चंगाई प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, यीशु ने मेरी बेटी की जिंदगी में भी अधिक मात्रा में अनुग्रह किया और उसने एक लड़के को जन्म दिया। प्रभु यीशु की जय हो। मेरे छोटे भाई को 12 साल से कोई संतान नहीं था। सभी चिकित्सा असफल हो रहे थे। जैसे ही हमने तिरुची के बैठक में भाग लिया, डॉक्टर आनंद सिरा जी ने परिशुद्धात्मा से भरकर प्रार्थना किया और कहा प्रभु निश्चित रूप से आपको एक बच्चा देगा। अद्भुत रीति से प्रभु ने छोटे भाई को जुड़वा बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की के रूप में। प्रभु की महिमा हो। पिछले साल जून महीने में मेरे आँखों में गंभीर दर्द हुआ। उसी चलते अचानक ही मेरे आँखों की रोशनी खो गई।
कहीं डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, परंतु असफलता मिलती रही। कहीं ने तो ये तक कह दिया कि अब आस छोड़ दो फिर से देख पाने की। पर मेरे भाई ने मुझे डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में ले गए और डॉक्टर आनंद सिरा जी ने मेरे लिए प्रार्थना की। अगले ही दिन मेरी दृष्टि प्राप्त हुई और मैं फिर से देख पा रही हूँ। मसीहा की महिमा हो। सुसे चिन्नप्पा मलेशिया से। हमारा पूरा परिवार 30 साल से दुष्टात्माओं के साथ पीड़ित रहा। इसी कारण से हमारी आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी। इतना ही नहीं, खुद का मकान तक नहीं था और साथ ही बेटी की परीक्षाओं के अंक भी 10 के अंदर आते थे। महान विश्वास के साथ मैंने डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में पहुंचा। हमारे परिवार पर से जादू टोना हट गया और हमें छुटकारा मिल गया। प्रभु ने हमारे सारे जरूरतों को पूरा किया। नया घर खरीदा और बेटी ने अपनी पढ़ाई अच्छे सफल अंकों के साथ पूरी की। प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर ज्ञान सेल्वी। दुरात्मा शक्तियों ने 25 सालों से हमें सताया। मैंने हर इलाज का सहारा लिया पर सब व्यर्थ हो गए। डॉक्टर आनंद सिरा जी ने पवित्र आत्मा से भरकर पुकारा और मुझे सारे दुरात्माओं से मुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। एगेनेस ज्ञान प्रकाश। एक कैंसर का ट्यूमर उनके मस्तक में 8 सालों से था। कई ऑपरेशन के बाद भी एक स्ट्रोक रह गया। इस वजह से उनका हाथ पूरी तरह से काम करना बंद हो गया। उनकी पत्नी उन्हें डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में ले गई। उस बैठक में प्रार्थना के दौरान डॉक्टर आनंद सिरा जी परशुद्ध आत्मा से भरकर उनके पत्नी को पुकारा और उनके पति के हालत के बारे में बताया और प्रार्थना की। प्रार्थना के तुरंत पति को स्ट्रोक आना बंद हो गए। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। मसीहा की महिमा हो। सरोजा नागरकोयल। मेरे 19 साल का बेटा बुरे दोस्तों और बुरी आदतों के हामी हो गया। डॉक्टर आनंद सिरा जी ने उसके लिए प्रार्थना की और सिर्फ 2 दिन के भीतर सारे बुरे आदतों से विमुक्त हो गया। मेरी बहन की बेटी 10 साल से बांझ थी। वे डॉक्टर आनंद सिरा जी के द्वारा आयोजित परिवार के आशीर्वाद बैठक में उसने भाग लिया और वो 6 महीने के भीतर गर्भवती हुई। प्रभु ने खूबसूरत बच्ची को प्रदान किया। प्रभु का धन्यवाद हो जो मेरे जिंदगी में अनगिनत चमत्कार करने के लिए। ग्रेसी एसोर। मेरी दादी मौत के बिस्तर में थी। उनका स्थान बदलना भी मुश्किल था। ना ही बात कर पा रही थी, ना ही पानी पी पा रही थी। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे से ज्यादा जीवित रह पाना मुश्किल है, परंतु मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के प्रार्थना केंद्र में कॉल किया और तुरंत ही उनके तबीयत में सुधार आ गया। अब मेरी दादी ठीक है। प्रभु यीशु की जय हो। सिस्टर जमीमा। 7 सालों से मैं निसंतान थी। प्रभु मसीहा ने अपना कृपा बरसाया और मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक बच्चा प्रदान किया। प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर जयाबाल एबिनेजर। 2013 में एक रखन बंद की वजह से अपनी नौकरी खो दी। 3 साल काम के बिना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर रेवरेंड जोशुआ जी ने मेरे लिए प्रार्थना की। चमत्कारी तरीके से मैं वही काम में फिर से भर्ती कर लिया गया। मेरे पत्नी के गुजर जाने के बाद जो पैसे मिलने थे वो रुक चुका था, परंतु प्रार्थना करवाने के बाद बिना कठिनाइयों के रकम मिल गया। प्रभु मसीहा की महिमा हो। सिस्टर जोसफिन चेन्नई से। 15 साल पहले हमारा घर पूरी तरह से जल गया। इस वजह से परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस स्थिति में बहुत दर्द के साथ डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में पहुंची और डॉक्टर आनंद सिरा जी ने मुझे 100 का नोट पकड़ाकर प्रार्थना करके भविष्यवाणी किया। मेरी बेटी, तुम कुछ भी नहीं खोदोगी अपने जीवन में। यही नहीं, घर और उन्नति प्राप्त होगी। कुछ ही वर्ष भीतर ही भविष्यवाणी का वचन पूरा हुआ और प्रभु ने सारे समस्या हल कर दी और एक बड़ा घर हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सिस्टर किरुबा मदुरई से। मैं अचानक से बीमार हो गई और चल फिरना मुश्किल हो रहा था। बड़ी कठिनाइयों के साथ मैंने मदुरई में परिवार आशीर्वाद बैठक में पहुंची और रेवरेंड ए जोशवा जी ने प्रार्थना की। प्रार्थना खत्म होते ही तुरंत मैं चल फिरने लगी। परिशुद्ध आत्मा की शक्ति मुझ में प्रवाहित हुई और मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे पोते के जन्मदिन के लिए और मेरे पास कुछ भी नहीं था पोते को देने के लिए। तभी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के प्रार्थना केंद्र में कॉल करके प्रार्थना करवाया। प्रभु ने 20,000 रुपये उसी दिन मुझे दिए। अभी तक मैं अचंभित हूँ कि ये चमत्कार हुआ कैसे। प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर लुर्दू स्वामी। हम कई वर्ष से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ रहा था। हमारे परिवार में 8 जने एक ही कमरे में छोटे से घर में जीवन बिता रहे थे। मेरा बेटा बहुत कम वेतन के लिए चेन्नई में काम कर रहा था।
मेरे पास पैसे तक नहीं थे अपने 3 बेटियों के शादी करने के लिए। उस दौरान मैंने तांजोर में डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में भाग लिया और उनसे प्रार्थना करवाया। तुरंत बाद हमारे परिवार के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया और मेरे बेटे को ट्रांसफर हो गया बैंगलोर में अच्छे वेतन में, और 3 बेटियों की शादी भी अच्छे घरानों में हो गई बिना मुश्किल के। प्रभु ने हमें अच्छा घर भी अनुग्रह किया। साथ ही मेरे पोते को छाती में ट्यूमर हो गया। पूर्ण विश्वास के साथ हमने प्रार्थना करवाया, तुरंत ही छाती के ट्यूमर से विमुक्त हो गया। मेरे पूरे परिवार को प्रभु के करीब लाने के लिए डॉक्टर आनंद सिरा जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी पूरा परिवार खुशी और शांति से जीवन बिता रहा है। सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। ब्रदर मणिकंदन, 7 साल पहले दिल का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उसके बाद लगातार खून के उल्टियाँ होने लगी। यहाँ तक सारे चिकित्सा व्यर्थ हो रहे थे। तभी डॉक्टर आनंद सिरा जी के द्वारा दिए गए प्रार्थना का तेल लगाया और तुरंत खून के उल्टियाँ आने बंद हो गए। प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर क्रिस्टी, मेरे भाई की बेटी को बोर्ड परीक्षा में 95.5% आए। अब वह घनत्व में स्तनक स्तर की पढ़ाई कर रही है। प्रभु यीशु की महिमा। ब्रदर पलनीवेल, मेरा भाई मौत के बिस्तर तक आ चुका था पित्ताशय की तेली और जिगर का समस्या के वजह से। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, परंतु मैं पूरे विश्वास के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना करवाया और मेरा भाई को अब पूरी तरह स्वस्थ है बिना ऑपरेशन के। ब्रदर पॉल्सन, मेरा बेटा प्रभु अपने कक्षा में अव्वल आता था, लेकिन अचानक ही उसे आत्महत्या के विचार आने लगे और ना ही वो खा पाता, सो पाता, पढ़ाई कर पाता और स्कूल जा पा रहा था। हमने उसको तिरछी के परिवार आशीर्वाद बैठक में ले आए। डॉक्टर आनंद सिरा जी परिशुद्ध आत्मा से भरकर उसके लिए प्रार्थना की। तुरंत ही वो ये विचार से मुक्त हो गया और फिर से सब करने लगा और स्कूल जाने लगा। अगर उस दिन उसे तिरछी के बैठक में नहीं लाते तो आज हमारा बेटा नहीं जीवित रहता। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सिस्टर पोंगोदे, खेलते समय मेरा 1 साल का पोता एक छोटे खिलौने को निगल गया। वो खिलौना कुछ 1.1 इंच चौड़ा था। तुरंत ही उसका दम घुटने लगा और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। हम दुविधा में आ गए क्योंकि हमारे घर से अस्पताल 25 मील दूर था। वही मैंने प्रार्थना करके कहा, प्रभु आप मेरे पोते को बचा लो तो मैं आपके महिमा के लिए गवाही दूंगी। अस्पताल जाते वक्त बहुत कठिनाई हुई, पर चमत्कारी रूप से जाते ही डॉक्टर ने खिलौना निकाला और वो तुरंत ठीक हो गया और ठीक से सांस लेने लगा और खून आना बंद हो गया। प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर जवा रंजितम, 5 साल से सोरियासिस से पीड़ित थी। सभी चिकित्सा जैसे कि सिद्धि, एलोपैथी, होम्योपैथी और अन्य सभी व्यर्थ हो रहे थे। चैन से सोना भी रात को मुश्किल हो गया था। चेन्नई में डॉक्टर आनंद सिरा जी के बैठक में भाग लिया। प्रभु की कृपा से लंबे समय के बाद मैं रात को चैन से सो पाई और सोरियासिस से मैं पूरी तरह ठीक हो गई। सिस्टर सरस्वती, मेरी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक ही उसको कमर में ट्यूमर हो गया। डॉक्टर को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। वो महान दर्द को झेल रही थी दिन ब दिन। हर रोज परीक्षा में जाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना करवाती। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और मेरी बेटी को ये ट्यूमर से चंगाई दे दी। प्रभु की कृपा से 500 में से 427 अंक उसने अपने बोर्ड परीक्षा में ले आई। सिस्टर सहाय रानी, मेरे बेटे को दुबई में पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आनंद सिरा जी को अनुरोध किया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु के अपार कृपा से पुलिस ने उसे छोड़ दिया और वो सुरक्षित घर लौट आया। यीशु मसीहा की महिमा हो। ब्रदर सेल्वराज, पिछले 1 साल से मेरी बेटी मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी। वो अपने पति को छोड़कर हमारे घर रहने लगी। हमने कई जगह दिखाया उसके इलाज के लिए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। तभी हमने उसे मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के द्वारा आयोजित किए गए मीटिंग में लेकर आए और जाते ही तुरंत उसे मुक्ति प्राप्त हुई और अब वो खुशी खुशी पति के साथ रह रही है। और मेरी बहू कुछ वर्षों से निसंतान थी। डॉक्टर आनंद सिरा जी ने प्रार्थना किया और परिशुद्ध आत्मा से भरकर कहा, आप जरूर अपने पोते को देखोगे। उसी तरह से प्रभु ने पोते को दिया। यीशु मसीहा की स्तुति हो। ब्रदर सुमित साइमन राज,
दुरात्मा के आवरण से मैं पागल हो रहा था और पूरे बदन में खुजली से पीड़ित था, परंतु प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं दुरात्मा और पागलपन और खुजली से विमुक्त हो गया। प्रभु की महिमा हो। सिस्टर सतीश रूपा, 7 साल से मैं बांझ थी, सारे परीक्षा निष्फल हो गए। रेवरेंड डॉक्टर ए जोशुआ जी ने प्रार्थना करके भविष्यवाणी दी, प्रभु आपको बच्चा प्राप्त करेगा। प्रभु की कृपा से हमें जुड़वा बचे हुए एक लड़का और लड़की के रूप में प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर एमिमल रीना, निसंतान थी 3 साल से। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जीसस का मैगजीन पढ़कर पूरे विश्वास से प्रार्थना की। प्रभु ने चमत्कारी रूप से मुझे खूबसूरत बेटी प्रदान किया। प्रभु की महिमा। ब्रदर गुना सिंह बैंगलोर से, हम पिछले 3 साल से हमारे बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, परंतु हर कोई असफल होती जा रही थी। तभी मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के मैगजीन को पढ़कर मैंने प्रभु के सम्मुख में मन्नत मांगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे वादे को सम्मानित करके मेरे बेटे को गुणशील जोड़ीदार दिया। यीशु प्रभु की स्तुति हो। इस नीचे दिए गए पते पर आप पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। अकाउंट का नाम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, अकाउंट नंबर 108484749, स्विफ्ट कोड SBIN INBB 467, बैंक का पता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7 मैकडोनल्ड्स रोड, कंटोनमेंट, तिरुचिरापल्ली 620001, तमिलनाडु, इंडिया। संपर्क करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, 10th क्रॉस वेस्ट एक्सटेंशन, तिलई नगर, तिरुची 18, तमिलनाडु, इंडिया। The Ministry of Jesus, founded in 1983, is based at Trichy, Tamil Nadu, South India. Dr. Anandastra, born as an orphan, faced innumerable difficulties in his youth. By God's abundant grace and sheer hard work, he rose to the level of pathological research scholar. The Lord took him to heaven on his deathbed at the age of 32. Obeying the divine call, the Ministry of Jesus was established and has now taken the gospel far and wide through several facets possible. Some of them are family blessing meetings, public good news meetings, personal prayer and counseling, television ministry, letter ministry, magazine ministry, books, CDs and DVDs, social media ministry, web ministry, telephone ministry, SJ Saves Trust and the Apostolic and Prophetic Training Conference.
गरीबों और जरूरतमंदियों को मदद करने के लिए अकाउंट का नाम एस जे सेव ट्रस्ट, अकाउंट नंबर 1084855940, शिफ्ट कोड SBI NIN BB 467, बैंक का पता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7 मैकडॉनल्ड्स रोड, कैंटोनमेंट, तिरुचिरापल्ली 620001, तमिलनाडु, इंडिया। अधिक जानकारी के लिए एस जे सेव ट्रस्ट, 10th क्रॉस वेस्ट एक्सटेंशन, तिल्लई नगर, तिरुची 18, तमिलनाडु, इंडिया। और हम आशा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में और परिवार में ग्रहण किया है। हमें आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस आपकी प्रार्थनाओं और सहयोग के द्वारा हिंदी में एक मैगजीन तैयार करने जा रहे हैं, और ये मैगजीन 2 महीने में एक बार छपाई जाएगी। वार्षिक जो शुल्क होगा 120 रुपए होगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के पते पर अपने पते को भेज सकते हैं और अपने चेक या डीडी के द्वारा आप इस मैगजीन को मंगवा सकते हैं। हमारे ही टीवी प्रोग्राम को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपनी भेंट और सहायता के द्वारा, तो आप एक प्रोग्राम के लिए 12,000 रुपए मदद कर सकते हैं, और अकाउंट्स की जो डिटेल है वो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। और हम आपसे निवेदन करेंगे जब आप अपनी राशियों को भेजते हैं, कृपया आप अपने फोटो और अपने नाम को जरूर भेजें, ताकि प्रोग्राम के अंत में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। यदि आप चैरिटी काम करना चाहते हैं तो आप हमारे SGSF ट्रस्ट को आप मदद और सहायता भेजने के द्वारा कर सकते हैं, और SGSF ट्रस्ट के द्वारा अनाथों को और जो बच्चे कुचले हुए हैं, जो बच्चे बीमार हैं, मानसिक रीति से परेशान हैं, उन बच्चों को सहायता भेजी जाती है। अगर आप SGSF ट्रस्ट के नाम से अपनी धनराशियों को भेजते हैं तो आपको ATGIT के तहत आपको जरूर छूट प्राप्त होगी। The Ministry of Jesus, founded in 1983, is based at Trichy, Tamil Nadu, South India. Dr. Anandastra, born as an orphan, faced innumerable difficulties in his youth. By God's abundant grace and sheer hard work, he rose to the level of pathological research scholar. The Lord took him to heaven on his deathbed at the age of 32. Obeying the divine call, the Ministry of Jesus was established and has now taken the gospel far and wide through several facets possible. Some of them are family blessing meetings, public good news meetings, personal prayer and counseling, television ministry, letter ministry, magazine ministry, books, CDs and DVDs, social media ministry, web ministry, telephone ministry, SG Saves Trust and the Apostolic and Prophetic Training Conference.